आइए चलते हैं रायपुर, जहां महाधिवेशन में राहुल गांधी सपोर्ट कर रहे हैं। पंजाब में एक मैकेनिक आकर मुझसे मिला, मैंने उसके हाथ पकड़े, और सालों की जो तपस्या थी उसकी, सालों का जो दर्द था, जो खुशी, जो दुख, जैसे ही मैंने उसके हाथ पकड़े, हाथों से मैंने बात पहचानी। वैसे ही लाखों किसानों के साथ जैसे ही हाथ पकड़ते थे, जैसे ही हाथ मिलाते थे, गले लगते थे, एक ट्रांसमिशन सा हो जाता था। शुरुआत में बोलने की जरूरत होती थी, क्या करते हो, कितने बच्चे हैं, क्या मुश्किलें हैं। ये एक डेढ़ महीना चला, उसके बाद बोलने की जरूरत नहीं होती थी। जैसे ही हाथ पकड़ा, गले लगे, सन्नाटे में एक शब्द नहीं बोला जाता था, मगर जो उनका दर्द था, जो उनकी मेहनत थी, एक सेकंड में मुझे समझ आ जाती थी, और जो मैं उनसे कहना चाहता था बिना कुछ बोले वो समझ जाते थे। अभी मैंने देखा, आपने वो बोट रेस देखी होगी केरल में, उस समय जब मैं बोट में बैठा था, पूरी टीम के साथ मैं रोइंग कर रहा था, मेरे पैर में भयंकर दर्द था। मैं उस फोटो में मुस्कुरा रहा हूं, मगर मेरे दिल के अंदर रोना आ रहा था, इतना दर्द था। मैंने यात्रा शुरू की, काफी फिट आदमी हूं, 10-12 किलोमीटर ऐसे ही दौड़ लेता हूं। घमंड था, मैंने सोचा था 10-12 किलोमीटर चल लेता हूं तो 20-25 किलोमीटर चलने में क्या बड़ी बात, मेरी माइंड में यह था। पुरानी इंजरी थी, कॉलेज में चोट लगी थी फुटबॉल खेलते हुए, मुझे याद है। मैं दौड़ रहा था, मेरे दोस्त ने पीछे से अड़ंगी मार दी और घुटने में चोट लगी। दर्द गायब हो गया था, सालों के लिए दर्द गायब था, और अचानक जैसे ही मैंने यात्रा शुरू की, दर्द वापस आ गया। आप मेरे परिवार हो तो मैं कह सकता हूं आपसे, सुबह उठता था सोचता था कैसे चला जाए, और फिर उसके बाद सोचता था कि भाई 25 किलोमीटर नहीं, 3,500 चलने, केरला की बात है,
3500 किलोमीटर चलने हैं, कैसे चलूंगा? और फिर कंटेनर से उतरता था, चलना शुरू करता था, लोगों से मिलता। तो पिछले पहले 10-15 दिन में, जिसको आप अहंकार कह सकते हो, घमंड कह सकते हो, वो सारा गायब हो गया। क्यों गायब हुआ? क्योंकि भारत माता ने मुझे मैसेज दिया, देखो तुम अगर निकले हो, अगर कन्याकुमारी से कश्मीर चलने निकले हो, तो अपने दिल से अहंकार मिटाओ, घमंड मिटाओ, नहीं तो मत चलो। और मुझे यह बात सुननी पड़ी, मुझे यह बात सुननी पड़ी। मुझ में उतनी शक्ति नहीं थी कि मैं इस बात को ना सुनूं। और आस्ते आस्ते मैंने नोटिस किया, मेरी आवाज चुप होती गई। पहले किसान से मिलता था, मैं उसको अपना ज्ञान समझाने की कोशिश करता था, थोड़ी जो मुझमें जानकारी है खेती के बारे में, मनरेगा के बारे में, फर्टिलाइजर के बारे में, मैं कहने की कोशिश करता था। आस्ते आस्ते ये सब बंद हो गया। शांति सी आ गई, और सन्नाटे में मैं सुनने लगा। ये आस्ते 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 ये बदलाव आया। और जब मैं जम्मू कश्मीर पहुंचा, वो भी अजीब सी बात थी, जब मैं जम्मू कश्मीर पहुंचा मैं बिल्कुल चुप हो गया। कह लो जैसे मेडिटेशन करता है प्रियंका और मैं विपासना करते हैं, वैसा वैसी बात हो गई कि बिल्कुल चुप हो गया मैं। मां बैठी हैं, मैं छोटा सा था, 1977 की बात है, चुनाव आया, मुझे चुनाव के बारे में कुछ मालूम नहीं था, 6 साल का था मैं। एक दिन घर में अजीब सा माहौल था, मैं मां के पास गया, बैठी हुई है, इधर नहीं देख रही है, मां के पास गया, मैंने मां से पूछा, मां से पूछा, मम्मी क्या हुआ? और मां कहती हैं, हम घर छोड़ रहे हैं। तब तक मैं सोचता था कि वो घर हमारा था। तो मैंने मां से पूछा, मां हम अपने घर को क्यों छोड़ रहे हैं? और पहली बार मां ने मुझे बताया कि राहुल ये हमारा घर नहीं है,
ये सरकार का घर है और हम अब हमें यहां से जाना है। मैंने मां से पूछा, मां कहां जाना है? कहती है नहीं मालूम। नहीं मालूम कहां जाना है। मैं हैरान हो गया। मैंने सोचा था कि वो हमारा घर था। बावन साल हो गए, मेरे पास घर नहीं है, आज तक घर नहीं है। और हमारे परिवार का जो घर है वो इलाहाबाद में है, वो भी हमारा घर नहीं है। तो जो घर होता है उसके साथ मेरा बड़ा अजीब सा रिश्ता है। मैं 12 तुगलक लेन में रहता हूं मगर मेरे लिए वो घर नहीं है। तो जब मैं निकला कन्याकुमारी से निकला, मैंने अपने आप से पूछा कि भाई मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है। अब मैं चल रहा हूं भारत का दर्शन करने निकला हूं, भारत को समझने के लिए निकला हूं। हजारों लाखों लोग चल रहे हैं, भीड़ है, मेरी क्या जिम्मेदारी है? मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मेरे ऑफिस के लोगों को मैंने बुलाया जो मेरे साथ थे, मेरे साथ चल रहे थे। मैंने उनको कहा, देखिए यहां पे हजारों लोग चल रहे हैं, धक्का लगेगा, लोगों को चोट लगेगी, बहुत भीड़ है, हमें एक काम करना है। मेरे साइड में, मेरे सामने 20-25 फुट आगे, इस तरफ 20-25 फुट, इस तरफ 20-25 फुट, ये जो जगह है, ये जो खाली जगह है जिसमें हिंदुस्तान के लोग आएंगे हमसे मिलने आएंगे, अगले 4 महीने के लिए वो हमारा घर है। मतलब ये घर हमारे साथ चलेगा, सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक ये घर हमारे साथ चलेगा। और मैंने सबसे कहा, देखिए इस घर में जो भी आएगा, अमीर हो गरीब हो, बुजुर्ग हो युवा हो बच्चा हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी स्टेट का हो, हिंदुस्तान से बाहर का हो, जानवर हो, उसको यह लगना चाहिए कि मैं आज अपने घर आया हूं। और जब वो यहां से जाए उसे लगना चाहिए कि मैं अपने घर को छोड़ के जा रहा हूं। छोटा सा आइडिया था मगर इसकी गहराई मुझे तब नहीं समझ आई। जैसे ही मैंने यह किया
जिस दिन मैंने यह किया उस दिन यात्रा बदल गई, जादू से बदल गई। लोग मेरे साथ राजनीतिक बात नहीं कर रहे थे। मैंने क्या क्या सुना मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं। हिंदुस्तान की महिलाओं ने मुझे क्या कहा है इस देश के बारे में मैं आपको बता नहीं सकता हूं। युवाओं के दिल में डर क्या है, कैसा है, मैं आपको बता नहीं सकता, समझा नहीं सकता, कह सकता हूं मगर बता समझा नहीं सकता हूं। कितना बोझ उठा रहे हैं, तो बिल्कुल रिश्ता बदल गया। एक उदाहरण देता हूं, पता नहीं आपने शायद नहीं देखा, चल रहे थे हम सुबह सुबह, साइड में एक महिला भीड़ में खड़ी थी, झिझक के उसने ऐसे किया मुझे। जैसे ही मैंने देखा मैंने उसको बुलाया, मुझे बात अजीब सी लगी। मेरे पास आई, मैंने हाथ पकड़ा, मुझे एकदम मालूम पड़ गया कि कुछ ना कुछ गलत है। जैसे मैं प्रियंका का हाथ पकड़ता हूं वैसे मैंने उसका हाथ पकड़ा था, कोई फर्क नहीं। मैंने सोचा उस समय, मैंने उस समय सोचा ये मेरी बहन नहीं है, ये मैं क्या कर रहा हूं, जो मेरा प्यार मेरी बहन के लिए है मैं इसको कैसे दे रहा हूं। अजीब सा लगा। मुझे मेरा हाथ पकड़ती है, कहती है राहुल जी भैया मैं आपसे मिलने आई हूं, क्या बात है, मेरा पति मुझे मार रहा है, पीट रहा है। मैंने कहा कब, कहती है अभी वो मुझे मार रहा था, मैं घर से भागी हूं आपसे मिलने। तो मैंने कहा कि पुलिस को बुलाएं, कहती है नहीं 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 पुलिस को नहीं बुलाइए। फिर मुझे कहती है अब मैं जा रही हूं वापस, फिर से पिटने जा रही हूं, मगर मैं आपको सिर्फ यह बताना चाहती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये महिला अकेली नहीं है, ऐसी लाखों करोड़ों महिलाएं इस देश में। तो यह सब मुझे सुनने को मिला और इस घर को हम आस्ते 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 जम्मू कश्मीर तक ले गए। पता नहीं, शायद मेरा परिवार सालों पहले वहां से आया, मैंने सोचा कि अजीब सी बात है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक मैं ये इस छोटे से घर को ले जा रहा हूं और यहां मुझे लग रहा है कि मैं वापस अपने घर जा रहा हूं। कश्मीर में हम घुसते हैं, वैली से पहले बर्फ है,
धूप है, जैसे आज, और हजारों लोग हमारे साथ चल रहे हैं, एक लड़का आता है मेरे पास, मेरे साथ चलता है और मुझसे कहता है, राहुल जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने कहा क्या? कहता है, राहुल जी जब कश्मीर के लोगों को दुख होता है, जब हमारे दिल में चोट लगती है, तो बाकी हिंदुस्तान के लोगों को खुशी क्यों होती है? मैंने कहा गलतफहमी में हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कन्याकुमारी से यहां तक आया हूं, मैं दावा देके कह सकता हूं कि करोड़ों लोगों के दिल में यह भावना नहीं है। करोड़ों लोग हर हिंदुस्तानी के दर्द के साथ, हर हिंदुस्तानी के साथ खड़े हैं, चुने हुए लोग हैं। मैंने कहा चुने हुए लोग हैं जो खुश होते हैं। हजारों में होंगे मगर हिंदुस्तान में करोड़ों लोग हैं। मेरी आंख में आंख मिलाता है, कहता है, राहुल जी आज आपने मुझे बहुत खुश कर दिया, आपने मुझे बहुत खुश कर दिया। बातचीत करते हुए मैं देख रहा था चारों ओर तिरंगा, सड़क पे तिरंगा, पहाड़ों पे तिरंगा, पीछे तिरंगा, आगे तिरंगा, सब जगह तिरंगा। फिर हम वैली में घुसे, वैली में घुसते हैं बादल छा जाते हैं, धूप गायब हो जाती है, और जैसे ही हम घुसते हैं, पुलिस वालों ने हमें कहा था कि 2000 लोग आएंगे। मेरे सिक्योरिटी वालों ने सोचा था 2000 लोग आएंगे। जैसे ही हम घुसते हैं वहां पे 40,000 लोग खड़े हैं। जैसे ही पुलिस वालों ने 40,000 लोगों को देखा, रस्सी छोड़ के भाग गए। हम देख रहे हैं जिसको रोप पार्टी कहते हैं वो सब गायब हो गई। सब गायब हो गई। मैं देख रहा था हिंदुस्तान के सबसे टेररिस्ट इन्फेस्टेड जिले में, जहां भी आप देखो तिरंगा 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 सब जगह। कौन उठाए थे तिरंगा? हमारे पास सिर्फ 125 यात्री थे, कश्मीर के लोग तिरंगा उठाए थे। एक ने नहीं उठाया था, हजारों ने उठा रखा था। और यही कहानी पूरे कश्मीर में, अनंतनाग, पुलवामा, जिसको टेररिस्ट इन्फेक्टेड डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, हर डिस्ट्रिक्ट में पहाड़ों पे, सड़क पे, आगे पीछे तिरंगा।
किसके हाथ में? कश्मीरी युवाओं के हाथ में। सीआरपीएफ के लोग मुझसे कह रहे हैं, भैया ये तो हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा, ये क्या हो गया? फिर मैं आया पार्लियामेंट में, बने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना, कहते हैं कि मैंने भी जाके लाल चौक में तिरंगा फहराया था। मैं सुन रहा था, मैंने सोचा देखिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को बात समझ नहीं आई, बात समझ नहीं आई। नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी के 15-20 लोगों के साथ जाकर लाल चौक पे तिरंगा फहराया, भारत जोड़ो यात्रा ने लाखों कश्मीरी युवाओं के हाथ से तिरंगा फहराया। प्रधानमंत्री को फर्क नहीं समझ आया, हमने हिंदुस्तान की भावना, इस झंडे की भावना जम्मू कश्मीर के युवाओं के अंदर डाल दी। आपने अपने झंडे की भावना जम्मू कश्मीर के युवाओं से छीन ली। यह फर्क है हम में और आप में। ये जो झंडा है, ये जो तिरंगा है, ये दिल की भावना है, ये दिल के अंदर से आती है। हमने इस भावना को कश्मीर के युवाओं के दिल के अंदर जगाया। हमने उनसे नहीं कहा कि भैया तुम्हें तिरंगा लहराना है, तुम्हें तिरंगा उठा के चलना है, नहीं, किसी से नहीं कहा। अपने आप आए, हजारों लाखों आए और अपने हाथ में तिरंगा उठा के चले। क्यों चले मैं आपको बताता हूं। कश्मीरी युवा ने मुझे कहा, मुझे कहता है राहुल जी आज मैं आपके साथ तिरंगा लिए चल रहा हूं। जानते हो क्यों? मैंने कहा क्यों? कहते क्योंकि आपने हम पर और मुझ पर भरोसा किया है, आपने अपना दिल हमारे लिए खोला है और हम अपना दिल आपके लिए खोलेंगे। यह फर्क है। हिंदुस्तान एक भावना है, एक सोचने का तरीका है, इज्जत है, आदर है, मोहब्बत है। और ये जो झंडा है, जो तिरंगा है, इसका इस भावना का ये चिन्ह है। और भारत जोड़ो यात्रा ने इस भावना को पूरे देश में फैलाया है। और ये काम राहुल गांधी ने नहीं किया है, ये काम कांग्रेस के कार्यकर्ता ने किया है, कांग्रेस के नेताओं ने किया है, हिंदुस्तान की जनता ने किया है। अब देखिए, देखिए सरकार की सोच के बारे में आज आपको बताना चाहता हूं। कुछ दिन पहले
इंटरव्यू में एक मंत्री ने कहा कि चाइना की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से बड़ी है, तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं? चाइना की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से बड़ी है तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं? जब अंग्रेज हम पर राज करते थे, क्या उनकी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से छोटी थी? लड़ाई इसका मतलब जो आपसे शक्तिमान है उससे आप लड़ो ही मत, जो आपसे कमजोर है उसी से लड़ो। इसको कायरता कहा जाता है। सावरकर की विचारधारा, सावरकर की विचारधारा, अगर जो आपके सामने आपसे तगड़ा है, मजबूत है, तो उसके सामने अपना सिर झुका दो, मत्था टेक दो। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के मंत्री कह रहे हैं, हिंदुस्तान का मंत्री चाइना से कह रहा है कि आपकी इकोनॉमी हमसे बड़ी है तो हम आपके सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। इसको क्या नेशनलिज्म कहते हैं? इसको देशभक्ति कहते हैं क्या? ये कौन सी देशभक्ति है? ये कौन सी देशभक्ति है? जो आपसे कमजोर है उसको आप मारो, और जो आपसे मजबूत है उसके सामने आप झुक जाओ। शब्द है इसके लिए, महात्मा गांधी कहते थे, सत्याग्रह की बात करते थे। सत्याग्रह का मतलब, सत्याग्रह का मतलब सत्ता के रास्ते को कभी मत छोड़ो, सॉरी सत्य के रास्ते को कभी मत छोड़ो। इनके लिए एक नया शब्द है, आरएसएस बीजेपी वालों के लिए, हम है सत्याग्रही, वो है सत्ताग्राही। ये सत्ता के लिए कुछ भी कर लेंगे, ये किसी से भी मिल जाएंगे, किसी के सामने झुक जाएंगे सत्ता के लिए। ये इनकी सच्चाई है। आखिरी बात, और मुझे बात समझ नहीं आई, पार्लियामेंट हाउस में मैंने एक उद्योगपति पे आक्रमण किया, अदानी जी पे मैंने आक्रमण किया। मैंने कहा कि अदानी जी 609 नंबर से दूसरे नंबर तक कैसे पहुंचे? आपकी जो फॉरेन पॉलिसी बनती है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो इजराइल हो, ऑस्ट्रेलिया हो, श्रीलंका हो, सब जगह उनको फायदा मिलता है। इसराइल में सारे के सारे डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट मिल गए। श्रीलंका में एक व्यक्ति कहता है कि राजा पाक्सा जी ने उन्हें कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने दबाव डालकर अदानी जी को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया। तो मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा, नरेंद्र मोदी जी आपका अदानी जी से रिश्ता क्या है? मैंने और कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ सवाल पूछा, भैया बता दो रिश्ता क्या है। और मैंने ऐसे एक फोटो दिखाई, ऐसे फोटो दिखाई, उसमें उसमें नरेंद्र मोदी जी ऐसे बैठे हैं, नरेंद्र मोदी जी अदानी जी के हवाई जहाज में रिलैक्स करते हुए दिख रहे हैं। तो मैंने पूछा, भैया बता दीजिए रिश्ता क्या है।
अब आपने नोटिस किया होगा कि पूरी की पूरी सरकार, सारे के सारे मंत्री अदानी जी की रक्षा करने लग गए। अदानी जी की रक्षा करने लग गए। कहते हैं जो अदानी जी पर आक्रमण करता है वो देशद्रोही है। मतलब अदानी जी देश के सबसे बड़े देशभक्त बन गए और बीजेपी और आरएसएस इस व्यक्ति की रक्षा कर रही है। सवाल यह उठता है, रक्षा क्यों कर रही है? क्या है इस अदानी में जो बीजेपी और आरएसएस को, सब मंत्रियों को इसकी रक्षा करने की जरूरत पड़ रही है? नहीं सुनिए, और सबसे बड़ा सवाल ये जो शेल कंपनीज हैं, जो हजारों करोड़ रुपया हिंदुस्तान भेज रही हैं, ये किसकी हैं? इसमें किसका पैसा है? अदानी जी डिफेंस इंडस्ट्री में काम करते हैं, डिफेंस इंडस्ट्री में काम करते हैं, और हिंदुस्तान की सरकार को यह भी नहीं मालूम कि अदानी जी की शेल कंपनी है बाहर, इसमें इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रहा? जेपीसी क्यों नहीं हो रही? डिफेंस का मामला है, देश की रक्षा का मामला है, पता तो लगाना चाहिए ये पैसा किसका है, शेल कंपनीज किसकी हैं, मगर नहीं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। एलआईसी का इन्वेस्टमेंट है, उनका नुकसान हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में फोटो दिखती है, नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, स्टेट बैंक चेयरमैन बैठे हैं, वहां के चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, अदानी जी बैठे हैं एक मेज पर। स्टेट बैंक $1 बिलियन का लोन दे रहा है, नरेंद्र मोदी जी उस मेज पे क्यों बैठे हैं? क्या लेना देना नरेंद्र मोदी जी का स्टेट बैंक और अदानी के बीच में, क्या लेना देना? तो ये सवाल है, और ये सवाल मैंने पूछे, नरेंद्र मोदी जी से पूछे, बहुत सीधा जवाब था, कोई रिश्ता नहीं है, सिंपल सा जवाब था। हमने पूछा रिश्ता क्या है, नरेंद्र मोदी जी कह सकते थे कोई रिश्ता नहीं। मगर रिश्ता है, रिश्ता है भाई और बहनों। अदानी जी और मोदी जी एक हैं। एक हैं। और देश का पूरा धन एक व्यक्ति के हाथ में जा रहा है। एयरपोर्ट, पोर्ट्स, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज, एग्रीकल्चरल स्टोरेज, सेब, हिमाचल प्रदेश में सेब, कश्मीर में सेब, पूरा का पूरा धन एक व्यक्ति के हाथ में जा रहा है। और जब हम प्रधानमंत्री से पूछते हैं ये 609 से 2 कैसे पहुंचा, बस ये बता दीजिए रिश्ता क्या है, हमारी पूरी की पूरी स्पीच एक्सपंज हो जाती है। खारगे जी की पूरी स्पीच एक्सपंज हो जाती है। अदानी जी के बारे में हिंदुस्तान के पार्लियामेंट हाउस में सवाल नहीं पूछा जा सकता है। हम पूछेंगे, एक बार नहीं हजारों बार पूछेंगे, रुकेंगे नहीं जब तक सच्चाई नहीं निकलेगी,
अदानी जी की सच्चाई नहीं निकलेगी तब तक हम नहीं रुकेंगे। क्योंकि और इसका एक कारण है भाई और बहनों, और खास तौर से जो लोग अदानी जी के की कंपनी में काम करते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, ये आपकी जो कंपनी है ये देश को नुकसान पहुंचा रही है, ये देश के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को छीन रही है। भाइयों और बहनों याद रखिए, आजादी की लड़ाई भी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुई थी, वो भी एक कंपनी थी, उस कंपनी ने भी हिंदुस्तान का सारा धन सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्ट्स सारा का सारा उठा लिया था। इतिहास रिपीट हो रहा है, इतिहास रिपीट हो रहा है, ये देश के खिलाफ काम हो रहा है। और अगर देश के खिलाफ काम होगा तो कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाएगी, लड़ जाएगी। आखिरी बात कहना चाहता हूं, देखिए ये पार्टी तपस्वियों की पार्टी है, ये पुजारियों की पार्टी नहीं है, ये तपस्वियों की पार्टी है, ये तपस्या की पार्टी है। और आपने देखा छोटी सी तपस्या की, 4 महीने की तपस्या की, और आपने देखा कांग्रेस पार्टी में कैसी जान आई, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता में कैसी जान आई, देश में कैसी जान आई। तपस्या बंद नहीं होनी चाहिए, तपस्या बंद नहीं होनी चाहिए, प्रोग्राम चलना चाहिए, तपस्या का प्रोग्राम होना चाहिए, उसमें हर कांग्रेस के कार्यकर्ता को शामिल होना चाहिए, हर नेता को शामिल होना चाहिए, उस प्रोग्राम में दर्द लगना चाहिए, मुश्किल होनी चाहिए, पसीना निकलना चाहिए, चोट लगनी चाहिए। खारगे जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, सीनियर नेता बैठे हैं, तपस्या का प्रोग्राम बनाइए, हम सब मिलकर तपस्या में शामिल होंगे, अपना खून अपना पसीना इस देश को देंगे। और जैसे मैं आपको गारंटी देता हूं, जैसे ही हम तपस्या में खड़े हो जाएंगे पूरा का पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ तपस्या में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये देश तपस्वियों का है। तो प्रोग्राम बनाइए खारगे जी, प्रोग्राम बनाइए, आपकी पूरी की पूरी टीम जिसमें मैं शामिल हूं, कांग्रेस के सब नेता शामिल हैं, हर एक कार्यकर्ता शामिल है, देश की जनता शामिल है, उस प्रोग्राम को हम चलाएंगे, तपस्या करेंगे, अपना खून पसीना देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी, एक जोशीले एक इंस्पायरिंग आपके इस अभिभाषण ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जान फूंक दी। एक जोर से नारा लगाएंगे, जोड़ो जोड़ो, और जोर से जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो। साथियों ठीक 1:30 पर यानी 1:30 बजे कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी अपना अध्यक्षीय भाषण देंगे, और 2 बजे इस 85वें महाअधिवेशन की कार्यवाही संपन्न हो जाएगी। मैं फिर दोहराता हूं, लगभग 30 मिनट के बाद
ठीक 1:30 बजे कांग्रेस अध्यक्ष सम्माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी अपना अध्यक्षीय भाषण देंगे और 2 बजे इस 85वें महाधिवेशन की कार्यवाही पूरी हो जाएगी। इसलिए अगले 30 मिनट तक आप अपना अपना स्थान ग्रहण। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।